इस न्यूज के प्रायोजक हैं दास बेकर्स। स्थान शिव शक्ति विला, प्लॉट नंबर 87, स्कीम नंबर 103, दुकान नंबर 2, केशरबाग ब्रिज के पास, इंदौर। शहर में चाहे जब किसी भी आयोजन को लेकर अनाधिकृत रूप से लगने वाले मंचों, व्यापारियों का व्यापार धंधा प्रभावित होने, यातायात जाम होने तथा ध्वनि प्रदूषण होने को लेकर पिछले दिनों व्यापारियों ने समाजसेवी सन्नी परयानी की अगुवाई में कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने मामले में यातायात जाम एवं मंचों से परेशान व्यापारियों के हित को देखते हुए एक फैसला दिया था। इसी फैसले को लेकर इंदौर शहर के अलग अलग क्षेत्रों के व्यापारी एसोसिएशन के व्यापारियों ने गीता भवन क्षेत्र स्थित AICTSL ऑफिस में नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा को ज्ञापन दिया। आपको बता दें, विगत 24 अगस्त को हाईकोर्ट ने शहर के व्यापारिक क्षेत्रों में सार्वजनिक कार्यक्रमों के मंच न लगाने और तेज साउंड बजाने से पहले दुकानदार से NOC लेने के संबंध में आदेश जारी किया था। इसके अलावा आयोजनों के लिए अनुमति पुलिस प्रशासन के बजाय नगर निगम आयुक्त द्वारा ही देने का भी आदेश दिया है। इसी को लेकर ज्ञापन में मांग की गई कि माननीय हाईकोर्ट के निर्देश अनुसार जब भी इस तरह की स्थिति निर्मित हो, नगर निगम तत्काल कार्रवाई करे। इस मामले में इंदौर नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा ने मीडिया से चर्चा में कहा कि माननीय हाईकोर्ट के निर्देश अनुसार नगर निगम इंदौर द्वारा अनाधिकृत एवं अवैध रूप से मंच लगाने वाले लोगों के खिलाफ धारा 322 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान व्यापारियों ने माननीय आयुक्त से सिंधी समाज के धर्मगुरु श्री जयेश दास उदासीन महाराज की अगुवाई में गौरक्षा को लेकर भी ज्ञापन दिया, जिस पर आयुक्त ने कहा कि नगर निगम द्वारा गौरक्षा एवं गौ सेवा के उद्देश्य से एक वृहद गौशाला का संचालन किया जा रहा है। वहीं महंत श्री जयेश दास उदासीन ने कहा कि हमारी संस्था श्री श्याम शरण गुरु ज्ञान दास जीव दया समिति मोरोद गांव इंदौर विगत 15 वर्षों से संस्थागत गौ सेवकों एवं आम जनता के साथ मिलकर गौ सेवा कर रही है। लगातार हो रही गौ तस्करी एवं गौ हत्या का विरोध करने हेतु हमारी संस्था द्वारा कई जन अभियान आयोजित किए गए हैं। इसी तारतम्य में हमारी संस्था द्वारा अधिक से अधिक गौ सेवकों को गौ तस्करी व गौ हत्या रोकने के अभियान से जोड़ने हेतु प्रयास किया जा रहा है। इसी को लेकर आज इंदौर नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा को ज्ञापन देकर उनसे अनुरोध किया गया है कि इंदौर नगर निगम भी इस जघन्य पाप गौ तस्करी व गौ हत्या को रोकने के लिए यथासंभव समर्थन करने की कृपा करे, ताकि गौ संरक्षण में प्रशासनिक सहयोग भी प्राप्त हो सके तथा इस दंडनीय कृत्य को करने वालों में प्रशासनिक भय भी जागृत हो तथा वे कृत्य बंद करे। जिस तरह से व्यापारियों को देखते हुए हाईकोर्ट ने निर्देश जारी किए थे दिनांक 24 अगस्त को कि किसी भी दुकानदार के बाहर मंच नहीं लगना चाहिए, अगर मंच लगे तो उसकी NOC लेना पड़ेगी और नगर निगम आयुक्त ही उसकी परमिशन जारी कर सकेंगे, पुलिस प्रशासन से सारे परमिशन देने के अधिकारों को छीन लिया गया है हाईकोर्ट के निर्देशानुसार, जिससे व्यापार का हनन होता था वो रुकेगा, पर्यावरण दूषित नहीं होगा, जिस तरह की दूसरी समस्याएं चल रही थी वो रुकेगी। और दूसरा कारण प्रमुख रूप से ये रहा कि हमारे जो धर्मगुरु हैं साईं जयेशदास जी उदासीन जी, इन्होंने एक नया संगठन की शुरुआत की है जिसमें समस्त इंदौरवासी, समस्त धर्म के लोग, सारे हिंदू धर्म के लोग उससे जुड़ रहे हैं। ये रहेगा कि इसमें गौ माता की जो है रक्षा की जाएगी, जिस तरह से गौ माता की लोग तस्करी करने में लगे हुए हैं या उनका वध करने में लगे हुए हैं, इन चीज़ों को रोका जाए, इसके लेकर एक विस्तृत रूप से ज्ञापन में श्री कमिश्नर महोदय को दिया गया। क्या आश्वासन कमिश्नर साहब ने दोनों मामलों में दिया है? कमिश्नर साहब ने तो हमें प्रसन्न कर दिया, हमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। उन्होंने कहा कि अब आप आके हमारी नगर निगम की गौशाला भी देखें और हम आपसे रूबरू अक्सर मुलाकात करते रहेंगे, और गुरुजी से उन्होंने आशीर्वाद लिया और बिल्कुल कहा कि हम आपके साथ हैं, मैं भी एक गौ सेवक हूं। मंचों को लेकर किस तरह का आश्वासन कमिश्नर साहब ने दिया? कमिश्नर साहब ने कहा कि मैं गाइडलाइन जारी करता हूं और विधिक सलाह लेके मैं इस पे बिल्कुल अमल करवाता हूं, और ये बहुत अच्छा काम आपने करवाया जो कि हाईकोर्ट से आपने डिसीजन करवाया है, क्षेत्रवासी इंदौरवासी काफ़ी पीड़ित है इतने सारे मंच लगने से। भैया हम लोग तो काफ़ी सालों से लगे हुए हैं कि गौ हत्या और गौ तस्करी बंद होना चाहिए, और आज हमने पूरा का पूरा सिंधी समाज और हमारे साथ काफ़ी लोग और भी समाजों के लोग इकट्ठे हुए हैं। हमने मतलब हमारी संस्था है श्री श्याम शरणम गुरु ज्ञानदास जीव दया समिति, इसके माध्यम से हमने गौ रक्षा अभियान चलाया है, और आज हमने कमिश्नर साहब को आवेदन भी दिया और उन्होंने हमें काफ़ी अच्छे तरीके से बहुत अच्छा समझाया भी, और उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया है कि अति शीघ्र ये काम जल्दी से जल्दी होगा। एक समस्या और सामने आ रही है कि शहर में अधिकांश मंच लगने से व्यापारियों का व्यापार भी प्रभावित हो रहा है, ज्ञापन में उसका भी उल्लेख क्या कहना चाहेंगे? हाँ, हमारे सन्नी भाई ने वो भी आवेदन दिया है और कमिश्नर साहब ने काफ़ी अच्छे तरीके से उस चीज़ को भी सुलझाने के लिए कहा है। We'll be right back.